हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने बच्चे के नाक की सफाई किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो वो अपना साफ सफाई खुद नहीं कर सकता, हम लोगों को ही करना पड़ता है। और खासकर जब छोटा बेबी होता है तो उसका नाक देखेंगे काफ़ी बहता है, बहने के साथ साथ जो गंदगी होता है वो नाक के अंदर जो है जमा हो जाता है, जिससे बच्चे को काफ़ी तकलीफ होती है और कभी कभी तो सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। आप देखेंगे कोई कोई बच्चा जो है मुँह से सांस लेता है क्योंकि उसका नाक जो है पूरा जाम हो जाता है। तो आप अपने बच्चे की नाक की सफाई किस तरह से कर सकते हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब पैदा होता है बेबी तो उसका नाक जो जैसे टेम्परेचर चेंज होता है ना, बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तो वहाँ पे टेम्परेचर अलग रहता है, बाहर आता है तो टेम्परेचर जो होता है वो उसको अलग मिलता है, मतलब इधर का टेम्परेचर जो होता है वो लो मिलता है उसको, तो जिससे उसको ठंड लगती है, उससे नाक जो है वो देखेंगे बहना शुरू हो जाता है। और नाक जो बहता है, लिक्विड जो निकलता है वो तो ठीक है, इधर उधर साफ करना ठीक है, लेकिन अंदर जो जाम हो जाता है ना, नाक जो सॉलिड बन जाता है और वो जाम हो जाता है, जिससे बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, खासकर रात को औरियत प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाती है। तो किस तरह से उस नाक की गंदगी को हमको क्लीन करना चाहिए आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो उसको क्लीन करने के लिए आपको कुछ भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो जब भी आप बच्चे को नहलाते हैं ना, उस टाइम पर देखेंगे जब भी बच्चे को नहलाते हैं तो उस टाइम पे आप बच्चे की थोड़ा सा नाक की सफाई जरूर कर दें, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो नाक जो है वो जो भी सॉलिड रहता है वो पिघल कर बाहर आ जाता है। क्योंकि जब हम लोग बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाते हैं, सर के ऊपर डालते हैं, तो वो थोड़ा पिघल जाता है, तो उस समय बच्चे की नाक की सफाई कर दें, वो पिघल के बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से आप बच्चे को नाक के ऊपर इस तरह से करेंगे और इस तरह से साफ करके उसे निकाल देंगे। एक तो ये हो गया नहाने के टाइम पे। कभी दूसरा आप कर सकते हैं कि बच्चे को अगर कभी भी लगे कि नाक के अंदर जो जाम है फंसा हुआ है, दिखता है कभी कभी, बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हर एक ईयरबड्स का यूज कर सकते हैं। कभी भी बच्चे के नाक में आपको स्टिक नहीं डालना है, क्योंकि उससे बच्चे का नाक जो है वो छिल सकता है, या फिर अपना फिंगर, आप कभी कभी लोग कहते हैं कि नाखून बढ़ा हुआ है तो नाखून अपना फिंगर डाल के बच्चे के नाक की सफाई कर देते हैं, वैसा भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि नाखून अगर डाल लेंगे फिंगर तो बच्चे के नाक की जो गंदगी है वो तो एक अंदर चला जाएगा और दूसरा जो है बच्चे के नाक में लग सकता है, फिर बच्चे के स्किन के शरीर के किसी भी पार्ट पे भी आपका नाखून जो है वो लग सकता है। तो आपको फिंगर का यूज नहीं करना, किसी स्टिक का यूज नहीं करना, करना क्या है, यूज करना है आपको ये ईयरबड्स। आप कोई भी ईयरबड्स यूज करते हैं यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका जॉनसन का ईयरबड मिल जाता है तो वो काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि वो बेबी के लिए रिकमेंडेड होता है। तो डॉक्टर भी यही बताते हैं कि आप ईयरबड से बच्चे की नाक की सफाई आराम से कर सकते हैं। तो करना क्या है, आपको एक ईयरबड लेना है और इसको थोड़ा सा पानी में भिगा लेना है, या फिर आप नारियल के तेल में भिगा सकते हैं। इसको ड्राई आपको कभी भी नहीं डालना है, नहीं तो वो जो नाक गंदगी जो फंसा हुआ है वो बाहर नहीं आएगा, वो इसमें और अंदर जो है वो चला जाएगा। तो करना क्या है मैं आपको करके बता रहे हैं। आ जाए इधर बेटा, आ इधर इधर आप देखिए इस तरह से, ये मेरा देखिए प्योर वर्जन कोकोनट ऑयल है, इसमें मैं इसको इस तरह से डाल रही हूँ। देखिए ये भींग गया है बर्ड्स, ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको भिगा लेती हूँ और फिर यहाँ पे मैं देखिए बताती हूँ किस तरह से करना है, बता रही हूँ आपको। देखिए ये भीगा हुआ पार्ट है इसके, देखिए बेबी का नाक कितना छोटा होता है, तो किस तरह से करना है आपको, इस तरह से डालना है और जो भी गंदगी इस तरह से एक बार घुमाना है, ज़्यादा अंदर तक आपको लेकर नहीं जाना है, आपको बस नशे करो, एक बार बच्चा करने नहीं देगा फिर भी आपको जबरदस्ती करना है, इस तरह से ईयरबड डालना है, एक बार इस तरह से घुमा के इस तरह से गंदगी को बाहर निकाल देना है, इसके नाक में गंदगी है नहीं तो इस तरह से बाहर निकाल देना है। और दूसरे नाक से भी आप इसी तरह से कर सकते हैं, देखिए एक तरफ वाला पार्ट एक नाक से साफ कर दीजिए और दूसरी तरफ जो ईयरबड है उसको भिंगा कर आप दूसरा नाक इसका अच्छे से साफ कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने बच्चे के नाक में जो गंदगी जो फंसा रहता है उसको साफ कर सकते हैं, और ये बिल्कुल आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप आराम से इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने बेबी का ख्याल जरूर रखें।